आज जिले के सभी अधिकारियों के साथ हमने चर्चा करी है और जो इस सेकेंड वेव में जो परिस्थिति बनी है इसका पूरे आंकड़े जानकारी प्राप्त करी और अस्पतालों में CHCs के अंदर जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं हम लोग क्या कर सकते हैं और जो कमी आई है उसका निराकरण कितना जल्दी हम कर सकें उस पर लंबी चर्चा करी है। महकमे के सभी अधिकारी पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। बस सच है कि ये प्रकोप इतना भारी पड़ा सेकेंड वेव था और हजारों लाखों की संख्या में ना सिर्फ टोंक में राजस्थान में देश भर में लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। तो हमने वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए जोर डाला है। जो किल्लत पहले आई थी ऑक्सीजन सिलेंडर से उसकी पूर्ति के लिए हम क्या क्या साधन ला सकते हैं तो चर्चा करी है और कल और आज मिला के लगभग 150 सिलेंडर हम लोग यहाँ पर ला चुके हैं। और भी आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी चाहे बेड्स की हो चाहे सिलेंडर्स की हो उसकी पूर्ति करेंगे और ज़िले के मुख्यालय के अलावा जो बाकी अस्पताल हैं वहाँ पर भी हम चाहते हैं कि कैपेसिटी बढ़े ताकि जो अभी कोरोना का प्रकोप दुर्भाग्यवश गाँव में ना फैले उसको रोकने के लिए हमें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। और अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट्स हैं भी ग्रामीण क्षेत्रों में तो उनका PHCs या उन इलाकों में ही इलाज हो सके। इस मुश्किल घड़ी में हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जो बहुत भयानक हो सकती है। इसको काबू में लाने के लिए जो पॉजिटिव रेट है वो थोड़ा स्टेबलाइज किया है और अब हम लोगों को इसमें जो कर्फ्यू है या लॉकडाउन है उसकी पूरी पालना करनी पड़ेगी। हमें सबसे अपील मैंने करी है कि घरों में रहें और जितना हम इस चेन को तोड़ने में कामयाब रहेंगे उतनी जल्दी हम लोग वापस जीवन को पटरी पर ला सकते हैं। फिलहाल सभी डॉक्टर्स अधिकारी लगे हुए हैं। ये बात सच है कि अस्पताल के सारे बिस्तर भर चुके हैं लेकिन अगर कमी होगी तो एडिशनल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आसपास के और जिलों से हम लोग साधन लाने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ से पैसे की संसाधन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग यहाँ बना रहे हैं। अस्पताल में और प्रशासन में दोनों में एक तो तालमेल नहीं है। मरीजों को एडमिट नहीं किया जाता है। अगर मरीज जाता है तो एक बार मरीज को देख के उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिख के दवाएं तो लिख सकते हैं, एडमिट नहीं कर सकते। मैंने आज निदेशक को निर्देशित किया है कि ये बहुत नाजुक घड़ी है, इसमें सब लोगों को मदद करने का एक दायित्व है और जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति हो, पेशेंट हो, उसके घर वाले जानते हैं उस पर क्या बीतती है। और देश में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहाँ पर आज बेड अवेलेबल हो, लेकिन बावजूद उसके हर व्यक्ति की मदद करना हमारा फर्ज बनता है और कोई कारण नहीं है कि किसी व्यक्ति को मना करें। मैं जानता हूँ कि अस्पतालों में जगह कम हो सकती है, ऑक्सीजन की एक सप्लाई है वो भी लिमिटेड है, और बार बार मैंने कहा कि जो केंद्र से राज्यों को रेमडेसिविर हो या ऑक्सीजन हो या कॉन्सेंट्रेटर्स हों उसको आवंटन करने की जो प्रक्रिया है अगर उसको हम पारदर्शी तरीके से कुछ पैमाने बांध दें कि जिस राज्य की इतने पॉजिटिव पेशेंट हैं, इतने अस्पताल बेड हैं, इतने यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, अगर पारदर्शी तरीके से उसका आवंटन होगा तो